नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, और मेरे साथ मेरी दो सहयोगी पूजा त्रिपाठी और कविता थपलियाल भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और योर स्टॉक का यानी आपका शो, आप आम निवेशकों का शो, आम दर्शकों का शो, जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फटाफट से आपको बता देते हैं कि आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने कैसे हैं। आपके स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार वो जरिया हम बता रहे हैं जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज के जरिए, किसी भी जरिए से आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल भेजते वक्त ध्यान रखिए, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, और नजरिया बताइए, लंबी अवधि का या छोटी अवधि का आपका नजरिया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, ये जरूर मेंशन कीजिए, जिससे हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्हें आसानी होती है आपको बेहतर राय देने के लिए। तो इसके अलावा आप YouTube पर ये शो लाइव देखते वक्त भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पोस्ट कीजिए, हम बीच बीच में उन सवालों को भी शामिल करते रहते हैं। तो बता दें, आज का जो बाजार है वो एक बार फिर रिकॉर्ड स्तरों की ओर बढ़ता हुआ आप देखिए, 24,640 के करीब इस वक्त निफ्टी, सेंसेक्स 80,800 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ, वहीं बैंक निफ्टी 52,460 के आसपास कारोबार करता हुआ। निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो BPCL आज लगभग 3% की तेजी यहां पर नजर आ रही है, कोल इंडिया में लगभग 3% की तेजी है, इसके अलावा भारतीय एयरटेल और टेलीकॉम शेयरों में इस वक्त जोश जो नजर आ रहा है, 2% की तेजी भारतीय एयरटेल में, टाटा कंज्यूमर भी 2% ऊपर इस वक्त नजर आता हुआ, टाटा स्टील और ग्रासिम में भी तेजी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दबाव जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक पर एक बार फिर से नजर आता हुआ, लगभग 1.5% की गिरावट यहां पर। इसके अलावा बात करें श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले, SBI लाइफ, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर प्रेशर बन रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रहा है कि स्टॉक स्पेक जो स्पेसिफिक एक्शन है वो मजबूत नहीं, बहुत ज्यादा मजबूत और भरपूर है। 1549 ये वो स्टॉक्स की संख्या है जो कि हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, वहीं 765 ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आज जो है टेलीकॉम शेयरों में तेजी है, क्योंकि बकाए AGR में सुप्रीम कोर्ट में फिर से आज सुनवाई है और इस पर निगाह बनी रहेगी, और इसकी वजह से जाहिर सी बात है टेलीकॉम शेयरों में जोश नजर आ रहा है। रिफाइनरी शेयरों में भी आज तेजी है। इसके अलावा ब्रोकरेज जो शेयर हैं, मोतीलाल ओसवाल, GM फाइनेंशियल, MK ग्लोबल, इन सभी में आज तेजी नजर आती हुई। सेंचुरी टेक्सटाइल में भी आज खबरों के दम पे, नए प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेने की खबर के दम पे आज तेजी नजर आ रही है, नतीजे भी आज आने वाले हैं। तो ये है बाजार का पूरा मूड माहौल। फटाफट से अपने एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं हमारे साथ। आज आपके जवाब देने के लिए तनिषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर साहब जुड़े हैं, और हैंसेक सिक्योरिटीज के महेश ओझा साहब जुड़े हुए हैं। नितिलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए, बाजार तो नए शिखर बनाता जा रहा है, और फिलहाल किसी भी तरह से हम देखें तो कोई बाजार को डेंट लगने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है। नतीजे भी अभी तक जो आए हैं उसके हिसाब से भी हम देखें तो जिस जिस सेक्टर में जो जो लीडिंग कंपनियां उनके नतीजे अच्छे आने की वजह से हम देख रहे हैं कि वो सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है। क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? देखो, जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वहां पे लॉन्ग करके चल सकते, लॉन्ग होल्ड करके चल सकते हैं, जब तक बाजार 24,500 ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब तक डरने की बात नहीं है। जिनका पोजिशनल व्यू है वो होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन इंट्राडे जो ट्रेडर है वहां पे उनको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा एक हायर लेवल के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, तो वो एक चीज हो गई। बाकी मार्केट में कुछ अभी तक के लिए पैनिक नहीं देखने को मिलेगा। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की तरफ मेरा रुझान ज्यादा थोड़ा सा फेवरेबल है, जहां पे मैं देख रहा हूँ 52,500-52,700 ये ब्रेकआउट की तैयारी मार्केट अगर करता है तो वहां से एक बढ़िया मोमेंटम पिकअप हो सकता है। लेकिन कोटक बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लगिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी 52,700-52,650 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो एक यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। साथ साथ 52,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, इसके ऊपर थोड़ा देर टिक के
अगर ये 52,700 को ब्रेकआउट करेगा तो 52,500 आपका स्टॉप लॉस होगा। 52,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में भी डलने की जरूरत नहीं। तो बाजार की चाल पर ये राय, लेकिन अब दर्शकों को भी शामिल करना हमें शुरू कर देना चाहिए। और YouTube के दर्शकों से अब की बार हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मानिक वर्मा हमारे एक दर्शक है जो पूछना चाहते हैं IFCI पर क्या व्यू बैठता है। मुझे इनका नज़रिया नहीं पता है, लेकिन हम एक काम करते हैं, नियर टर्म आउटलुक समझ लेते हैं। नितिलेश, चार्ट्स के मुताबिक IFCI में क्या कोई रणनीति फिलहाल बनती है, और अगर बनती है तो कितने समय के लिए, किस स्टॉप लॉस के साथ, सलाह होगी आपकी? में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा सा अभी उसके बाद एक फॉलो बाइंग नहीं हमें देखने को मिली। तो 70 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 70 अगर ये होल्ड कर देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम फिर से स्टॉक में पिकअप हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक कैप हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। तो 70 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर थोड़ा सा डीप मिलता है 72 के आसपास वहां पे लिया जा सकता है। इसमें फ्रेश मोमेंटम फिर से इसमें स्टॉक में लौटेगा, वो 77 के ऊपर ये स्टॉक में लौटेगा, क्योंकि लोअर लेवल से स्टॉक काफी चला हुआ है। क्वांटिटी कम करे, 72 के आसपास आता है तो ले सकते हैं, 70 रुपीज आपका स्टॉप लॉस। तो ये है सलाह IFCI पर आपके लिए। अगले दर्शक हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं, राजेश जी। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास इरेडा का 5,000 शेयर है। जी किस लेवल पे लिया आपने? ये याद नहीं है मैम, मैंने कल तो लिखाया था, देखते हैं पोलियो निकाल करके। जी, आपके लेवल्स है हमारे पास, ठीक है, कोई बात नहीं। 155 पर लिया है आपने, आपने हाँ, हमने लिख के भेजा था, 155 पर, लेवल्स आ 5,000। चुके हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले तो मुबारकबाद आपको जी, पहले तो मुबारकबाद आपको, 6 लाख से ज़्यादा का मुनाफा आपको इस स्टॉक में हो रहा है। कल इरेडा के हम आपको बता दें नतीजे भी आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे, मैनेजमेंट कमेंट्रीज बीच बहुत शानदार आ रही थी, इस वजह से हमने देखा कि नतीजों के बाद शानदार तेज़ी देखने को मिली। आज थोड़ा करेक्शन है इस स्टॉक में, आज 3% ये स्टॉक टूटा हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चल भी चुका है। पिछले एक महीने में ही अगर देखेंगे तो करीब 60% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। महेश जी, कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक इरेडा? इन्हें तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, लेकिन और 6 लाख से ज़्यादा का मुनाफा हो रहा है, ये भी आपको बता दें, अभी भी इन्हें बने रहना चाहिए स्टॉक में और तेज़ी के लिए, या फिर मुनाफा बुक करके थोड़ा निकल जाए? और एक सवाल मेरा उन लोगों के लिए भी होगा जो इसमें स्टॉक में एंट्री लेना चाह रहे हैं, आज ये जो करेक्शन आ रहा है 4% नीचे आ चुका है ये स्टॉक, क्या सही समय है एंट्री करने का स्टॉक में? तो सर लास्ट वीक ही अपन ने डिस्कस किया था ये स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स के अंदर हमारा काफी अच्छे से ट्रैक है, और मोटा मोटी देखे तो ये स्टॉक्स के अंदर काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो आगे आने वाले टाइम में जो है वो कम होने वाली है कंपनी की, तो ये एक बड़ा ट्रिगर है जो इस स्टॉक्स के अंदर काम करना वाला है। बट ऑब्वियस है कि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर आपका स्टॉक्स जो 50-60% अगर बढ़ जाता है तो वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो आना है वो लाजमी है, और इनका लेवल भी एक 155 के लेवल से है तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए वापस से। रीएंटर अगर लोअर लेवल में मिले 250 से 260 के बीच में अगर आता है तो फिर आपको एक बार से वापस रीएंट्री का मौका मिलेगा, वहां पे एक वापस से रीएंट्री कर लीजिए। इस स्टॉक्स के हिसाब से पर्टिकुलर हमारे को बजट से भी एक्सपेक्टेशन है कि इस स्टॉक्स के लिए बजट में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम जरूर रहेगा। लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म व्यू हम यहाँ से भी इसको होल्ड करने की सलाह देंगे, बट छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको अच्छा खासा हो रहा है तो ले लेना चाहिए, और इन्वेस्टर भी ट्रेडर भी करेंगे तो छोटी मोटी एक डाउनसाइड मिलेगी, उसके बाद में वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी और स्टॉक्स को वापस से 350 हो सकता है 350 प्लस के लेवल में भी देखने को मिलेंगे। नवरत्न स्ट्रेस मिलने के बाद में कंपनी में काफी सारी चीजें हैं जो पॉजिटिविटी के हिसाब से काम कर रही है। तो ये है महेश जी की राय आपके स्टॉक पे। हमारे अगले कॉलर पंजाब से जुड़ रहे हैं, तनेजा जी। तनेजा जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल? नमस्कार जी, मेरा स्टॉक टाटा स्टील है जी, उसके 655 यूनिट्स हैं मेरे पास, और मैंने 113 रुपए यूनिट के हिसाब से वो परचेज किया था।
ठीक है ठीक है ठीक मैं इसको 2 साल के लिए और रख सकता हूँ, क्या मेरे को इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ठीक है, पहले तो अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की है और सही वक्त पे भी आपने सवाल पूछा है, क्योंकि हम पिछले अगर 1 महीने में टाटा स्टील को देखें तो 180 से गिरता हुआ एक रेंज में फंसा हुआ था, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो लगभग 1.25% की गिरावट यहाँ पर नज़र आई। पिछले 1 महीने में लगभग 6.5% ये स्टॉक टूटा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज 2.25% की तेज़ी इस वक्त टाटा स्टील में हमें नज़र आ रही है। क्वालिटी स्टॉक है महेश जी, चूंकि लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, 2 साल तक बने रहना चाहते हैं, तो बताइए बाइंग प्राइस भी इनकी अच्छी है, और मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि आज इन्होंने बड़े सही वक्त पर अपना सवाल पूछा है। डेफिनेटली अगर स्टॉक्स के अंदर अगर इनका 2 साल का नजरिया तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, शॉर्ट टर्म के सबसे भी अगर आएगा डिप तो भी छोटा मोटा आएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये क्वालिटी स्टॉक्स है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2 साल का अगर नजरिया तो 210-225 के लेवल जो है कम से कम देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर हो सकता है कि डिप मिले तो घबराने की जरूरत नहीं, स्टॉक्स के अंदर बने रहिए और होल्ड करिए। 210-225 तक के लेवल जो है आराम से आपको 2 साल के अंदर देखने को मिलेंगे और हो सकता है उसको भी सरपास करे, पर 2 साल का लेवल है तो होल्ड करिए। तो यहाँ पर 2 साल का अगर आपका व्यू है तो आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अर्पित दिल्ली से हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, नमस्कार। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मैम मेरे पास बुडको के शेयर है, 45 रुपीज के लिए थे मैंने 2000। ओके, और आपने अब इसमें कब तक रुकना है? मैम अराउंड 10 इयर्स। और 10 साल? जी मैम। इतना मुनाफा आपने कमा लिया है सर, मुबारकबाद। और क्या योजना है आपकी? मेरे ख्याल से इस मुनाफे को बांधकर आपको थोड़ा भी पार्ट प्रॉफिट नहीं बुक करना क्या? नहीं मैम, अभी बेटी की पढ़ाई के लिए। बेटी की पढ़ाई के लिए आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं? ओके मैम। चलिए, आपको घबराहट भी नहीं होती जब बाजार में इतना उतार चढ़ाव होता है, बाजार गिरता है तो आपको, वैसे तो आपने आपकी जो लेवल है वहां से तो आपको काफी मुनाफा हो रहा है, बट रातों की नींद गायब नहीं होती आपकी? चलिए, अर्पित शायद फोन लाइन पे है नहीं मेरे साथ, और महेश आप ही के पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने इसको एक फाइनेंशियल गोल के तहत बांध रखा है, और क्या फैंटास्टिक प्राइसिंग और मुनाफा भी दमदार, लेकिन 10 साल और इनको समय देना है इसे। देखिए डेफिनेटली अगर हाउसिंग उड़को की बात करें तो अपने को बजट से काफी एक्सपेक्टेशन है, और स्टॉक्स का जो टेक्निकल पैटर्न भी देखें तो काफी दिनों से पॉजिटिविटी के अंदर बना हुआ है, तो अगर इनका नजरिया काफी लॉन्ग टर्म है तो इसके अंदर बने रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट जो है वो तो टाइम टू टाइम अपडेट होंगे, बट नजरिया जो है अभी के हिसाब से भी पॉजिटिव लगता है। 1 साल का व्यू रखेंगे तो 500-550 के लेवल अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की एक्सपेक्टेशन बजट के हिसाब से मैच करती है तो 500-550 के लेवल तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, और उसके ऊपर भी ये सस्टेन करेगा तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट का फोकस अभी हाउसिंग के ऊपर रहेगा, रूरल एरियाज में भी रहेगा, बाकी सब जगह पर भी रहेगा, तो ये हुडको के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो ये है सलाह हुडको पर, 45 के लेवल्स पर इन्होंने लिया था, शानदार मुनाफा इनको हो रहा है स्टॉक में। आज 3% की तेजी भी है, तो अभी भी आप बने रह सकते हैं स्टॉक में क्योंकि सरकार का फोकस है इस सेक्टर पर, तो हुडको को एक बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है इस स्टॉक में बने रहने की राय। बाजार फिर से रिकॉर्ड लेवल्स पर, सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है, 206 अंकों की तेजी है सेंसेक्स में। निफ्टी की बात करेंगे तो 70 अंकों की तेजी है, और वापस से हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स बाजार में देखने को मिल रहे हैं। ये एक कुछ लेवल्स स्क्रीन पर, और बैंक निफ्टी भी आपको एक बार दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में भी लाल निशान में आ चुका था बैंक निफ्टी, लेकिन वहां पर भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, 52,500 के पास बैंक निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो ये रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। तो शानदार तेजी है, और सबसे अच्छी बात एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, ब्रॉडर मार्केट में ही काफी शानदार बाइंग नजर आ रही है। हमने देखा मिड कैप
स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसमें चल रहे हैं, सिर्फ इंडाइसेस नहीं चल रहे हैं, पूरा का पूरा बाजार ही चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और बजट तक जो भी सेक्टर फोकस में है, फर्टिलाइजर, रेलवे, डिफेंस, रियल एस्टेट्स और कंजम्पशन स्पेस से जो भी स्टॉक्स हैं, वहाँ पर शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बजट तक ये शानदार मोमेंटम, और आज हम देख रहे थे कि मिड कैप में भी रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और निफ्टी और सेंसेक्स भी वापस से रिकॉर्ड लेवल्स यहाँ पर टेस्ट करते हुए 24,650 के पास अब निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मार्केट में ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ अजीम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से। जी गुड मॉर्निंग। तो रणनीति आज के लिए चुना है, जो सेक्टर है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। यहाँ पे स्टॉक का चुना है डीएलएफ, जो करंट मार्केट प्राइस 844 का है। प्राइस रीडिंग और डेरिवेटिव एनालिटिक्स के जरिए प्राइस प्रोजेक्शन करीबन 870 से लेके 880 का बनता हुआ दिख रहा है जुलाई सीरीज में। तो उसके चलते आपको रणनीति बनानी है ऑप्शंस के द्वारे, जहाँ पे 25 जुलाई एक्सपायरी की आपको 860 ये स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, जो करीबन 13-13.5 के आसपास ट्रेड हो रही है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर चलता है तो ये ऑप्शन प्रीमियम में टारगेट आपको दिखेंगे ₹23, दैट इज द फर्स्ट टारगेट, और एक्सटेंडेड टारगेट 32। ये ट्रेड में आप ₹7 ऑन द ऑप्शन प्रीमियम पे स्टॉप लॉस बनाइए। लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट आपका प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रेटेजी में 11,500 का रहेगा, और रिस्क ये स्ट्रेटेजी में आपका बनेगा 6,000 का। ठीक है, तो डीएलएफ की 860 की कॉल खरीदने की सलाह है, 13-13.5 के आसपास मिल रही है। इसमें 2331 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं, मुनाफा होगा 11,500 का इसमें, और नुकसान जो है वो 6,000 का हो सकता है। और एक सभी का रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से रिकॉर्ड लेवल्स एक के बाद एक बाजार बना रहा है, और एटलीस्ट बजट तक ऑप्शन ट्रेडर्स को काफ़ी सतर्क होकर ट्रेड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है शुरू से ही हमारे एक्सपर्ट, और जिस तरह के डेटा भी हैं इस वक्त मार्केट के, ऑप्शन ट्रेडर्स इस वक्त संभल के ट्रेड कीजिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका, ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं योर स्टॉक का, अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहां से बात कर रहे हैं? मेरा नाम उज्जवल है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं। जी उज्जवल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। एक्चुअली मैंने टिमकिन इंडिया बाय किया था अभी अराउंड 20 डेज पहले। ठीक है, तो 4620 का परचेज है मेरा, और 50 क्वांटिटी मैंने लिया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें अभी फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर आपको होता हुआ, मुझे बस ये बताइए कि कितना समय और दे सकते हैं उज्जवल? टाइम का कोई टेंशन नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए महेश जी आपके पास आऊंगा। टिमकिन इंडिया 4,000 के स्तर पे इस वक्त हम देख पा रहे हैं, लेकिन इनकी बाइंग 4,620 की है। साफ तौर पर इनका कहना है कि समय की कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करने में लंबे समय तक भी इन्हें कोई समस्या नहीं, बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? मैं काफी अगर इस स्टॉक्स को देखें 2600-2700 के लेवल से जो है, नीचे के लेवल से काफी अच्छा रन अप ऑलरेडी कर चुका था, तो इनका लेवल जो है थोड़ा सा हाई है, बट फिर भी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, कंटिन्यूटी है, और कंपनी का ट्रैक भी ठीक है। तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस जो है 3820 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखिए, और स्टॉक्स में बने रहिए। हो सकता है कि आपको वापस से 4,250-4,300 के लेवल वापस से दिखाए, तो वो टाइम पे थोड़ा सा एग्जिट करें। और थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड करेंगे तो इनके भाव से ऊपर भी स्टॉक दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 3820 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल यूट्यूब से हम लेते हैं, और सताक्षी का सवाल है। नितिलेश, इनके 3 स्टॉक्स हैं और रिव्यू करने की सलाह मांग रही हैं ये आपसे, हालांकि मुझे इनकी बाइंग प्राइस नहीं पता है। सेल, राणा शुगर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
तीनों में ही इन्होंने पूछा है कि आप रिव्यू कीजिएगा, तो मेरे ख्याल से नियर टर्म आउटलुक क्या बनता है, क्योंकि बाइंग प्राइस हमको पता नहीं है। मान लीजिए अगर ये खरीदारी करके बैठी हुई हैं तो आपके मुताबिक कितना बने रहें किस स्टॉप लॉस के साथ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट जो हमें देखने को मिला है स्टॉक 2010 के बाद 65-70 ये लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। 71-72 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये अगर ये क्रॉस कर देता है तो एक स्टॉक में बड़ा रिलेटिंग हमें देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। जब तक ये स्टॉक 60 रुपीज के नीचे वॉलेट नहीं होता है तब तक लॉन्ग टर्म निवेशक को डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो काउंटर है सेल में अगर हम लोग देखेंगे तो 150 के ऊपर अभी तो सस्टेन कर रहा है, लेकिन एक हर्डल है 157, जैसे टाटा स्टील में भी 170-175 वाला हर्डल है, सेम इसमें भी है 157 ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है जो ऑलमोस्ट 1.6-1.7 जो इलेक्शन के बाद वाला जो लेवल था, तो यहाँ से फिर से एक स्टॉक में बड़ा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। चाहिए तो सेल में और क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है 157 के ऊपर, तो यहाँ से टारगेट पॉसिबली 210-220 ये हो सकते हैं। नीचे में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन है 140-145 के आसपास, इसका अगर ये ब्रेक डाउन कर दे थोड़ा सा एक डाउनसाइड मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये तीनों ही स्टॉक्स पर रहा है और इसी के साथ योर स्टॉक में हमारा समय भी आज के लिए खत्म हो चुका है। महेश आपका, नितिलेश आपका धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया है। हम भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश बजट के बढ़िया शेयर। नमस्कार।